हाईकोर्ट में मुख्य संसदीय सचिव यानी सीपीएस मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि अति महत्वपूर्ण मामले में जल्दी फैसला दिया जाएगा। बीजेपी ने भी नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल सरकार ने रोहड़ू से एमएलए मोहनलाल ब्राक्टा, दून से राम कुमार, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की से संजय अवस्थी, बैजनाथ से किशोरी लाल और पालमपुर से आशीष बुटेल को सीपीएस बना रखा है। और इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं सीधे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, कितनी अहम है ये आज की सुनवाई और क्या चर्चा हो रही है इस मामले को लेकर अब तक? हाँ विशाल, अब कह सकते हैं कि काफ़ी अहम दौर में अब ये सुनवाई पहुंच चुकी है। और पिछली जब सुनवाई हुई थी तो हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अब कंटिन्यूस वे में ये पूरी सुनवाई को सुनेंगे और जब तक ये पूरी सुनवाई फिनिश नहीं होती तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले 3 दिन, आज और 2 दिन आगे ये सुनवाई चल सकती है, या फिर जब तक हम कहें कि जब तक सुनवाई ख़त्म नहीं होती दोनों पक्षों की तरफ से, जो अपने अपने पक्ष रखने की बात है वो खत्म नहीं होती। हालांकि जो याचिकाकर्ता पक्ष है सतपाल सत्ती और जो अन्य विधायक है जिनकी तरफ से याचिका दायर की गई है, उनके अधिवक्ता की तरफ से लगभग अब पूरी स्थिति हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दी गई है, हाईकोर्ट के समक्ष रख दी गई है कि किस प्रकार से ये जो सीपीएस है ये अयोग्य है, ये संविधान के तहत नहीं है, जो कि आरोप याचिकाकर्ताओं ने लगाया था अपनी याचिका के दौरान। वहीं दूसरी तरफ से उम्मीद लगाई जा रही है कि एडवोकेट जनरल और जो अन्य विधायक अन्य एडवोकेट्स हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा अलग अलग काउंसिल भी, सभी सीपीएस की तरफ से अपने अपने काउंसिल भी इस पूरे मामले पर दिए गए हैं। तो अब लगभग सुनवाई हम कह सकते हैं कि दौर फिनिश होने की तरफ है, पूरा होने की तरफ है। अंतिम कुछ चरण बचे हैं जो दोनों पक्षों की सुनवाई के हैं। तो आज ये उम्मीद लगाई जा रही है विशाल कि आज ये अहम सुनवाई होगी, एजी की तरफ से पक्ष रखा जाएगा और जो अन्य एडवोकेट्स हैं, जो सीपीएस की तरफ से एडवोकेट्स हैं, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज अपनी सुनवाई के दौरान रख सकते हैं। और अगर ये सुनवाई आज पूरी नहीं होती है तो फिर जैसा पिछले दिन बेंच की तरफ से कहा गया था पिछली सुनवाई को, तो कंटिन्यू वे में ये सुनवाई आगे कल और परसों भी हो सकती है। हालांकि आज देखना होगा कि क्या कुछ आज इस पूरे मैटर में होता है और फिर उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से जो बेंच है जिसमें एडवोकेट विवेक ठाकुर हैं और एडवोकेट नेगी हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ, बीसी नेगी उनकी तरफ से क्या कुछ आज आदेश दिए जाते हैं पूरी सुनवाई के दौरान, दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान। काफ़ी लंबी आज ये सुनवाई चलने की उम्मीद है और उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द, क्योंकि जिस प्रकार से हाईकोर्ट